यूपी की करते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इससे पहले अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ सड़क पर उतर चुके हैं। लखनऊ में अखिलेश अपने नेताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ विरोध करते हुए अपने सभी विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के साथ एसपी ऑफिस से विधानसभा तक पैदल मार्च कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पदयात्रा सिर्फ 3 किलोमीटर की है। पैदल मार्च जनता से जुड़ी महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को लेकर निकाला गया है और यह वो पैदल मार्च की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। टाइम्स नाउ भारत पर लखनऊ से आप देख रहे हैं, हाथों में तख्तियां, सर पर लाल टोपी और समाजवादी पार्टी का झंडा, यह अखिलेश यादव का पैदल मार्च। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में मौजूद हैं। 3 किलोमीटर का ये पैदल मार्च महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं। यूपी विधानसभा तक, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से उत्तर प्रदेश विधानसभा तक ये पैदल मार्च इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से लोगों का कहना है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये वो हिस्सा है, यानी ये गौतम पल्ली के सामने का वो हिस्सा है जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड किया गया है और यहीं पर बहुत मुमकिन है कि सभी लोगों को रोका जाएगा, गिरफ्तारी भी यहां पर दी जा सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और यहीं से ये जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको गिरफ्तार करके या हो सकता है कि ईको गार्डन लेकर जाया जाए या फिर थोड़ी देर की जो गिरफ्तारी है वो करवाई जा सकती है। तो देखिए हमारे सहयोगी आदर्श थे, जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे, देखिए कैसे यहां पर सुरक्षा के चार चौबंद व्यवस्था की गई है, कौन से मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के दफ्तर से उत्तर प्रदेश विधानसभा तक यानी 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ये पैदल तय किया जा रहा है। एक बार फिर से आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, अब आगे क्या तस्वीर दिख सकती है? 3 किलोमीटर का ये पैदल मार्च घेराव सरकार का हो रहा है। पूछना चाह रहे हैं सब लोग, ये वर्कर्स हैं यहाँ पर और चूंकि यहाँ पर भीड़ का हिस्सा जो है अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और गुत्थम गुत्थी जो है वो शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और उनके साथ साथ जो दूसरे पुलिस के कर्मी हैं उनके बीच में गुत्थम गुत्थी जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री जो रहे हैं पूर्व में उनके साथ अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके साथ साथ जो है अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर अब जो पूरा बवाल है वो शुरू हो गया है। अगर आप एकदम देखें तो पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद है और भारी फोर्स के बीच में समाजवादी पार्टी के जो विधायक और कार्यकर्ता और अखिलेश यादव हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से इनको रोकने की कोशिश की गई है, इससे आगे बढ़ने ना दिया जाए इस बात की पूरी कोशिश कर रही है सरकार और इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पर तो पूरी पैरामिलिट्री, आरपीएफ, पुलिस, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये हालात देखिए, ये हालात देखिए, बैरिकेटिंग है, बास बल्ली से भी बैरिकेटिंग की गई है और एक तरफ भारी तादाद में पुलिस बल तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आमने सामने की स्थिति यहां पर बन गई है। पुलिस वालों ने कह दिया इससे आगे आप नहीं जा सकते, आपको जाने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी आदर्श वहां पर डटे हुए हैं।